माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अभी जो सारिका है, ये आपको अपना पूरा प्रोफाइल और सारी बातें बताएंगे। आज इनकी ज्वाइनिंग आई है, स्पेशली ये बायोटेक्स हैं। बायोटेक्स हैं, बायोटेक में नॉर्मली लोगों की ज्वाइनिंग देर से आती है कानपुर में, वैसे लोग कहते हैं स्कोप नहीं है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक शायद यही एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें कोई भी कैंडिडेट अभी तक हमारे यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं कि फाइनल ना हुआ हो। जबकि मुझे भी लगता था पहले कि कैसे इनकी ज्वाइनिंग आएगी, कंपनीज कम है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा पुश करना हर कैंडिडेट को पहले पड़ता है, बट अपनी मैंने देखा पहली ज्वाइनिंग इनके पास भी आई। मैं इनके थ्रू चाहता हूँ कि ये आपको शेयर करेंगे अपना यहाँ का एक्सपीरियंस। वैसे ये सिंपल सीधी सादी हैं, कम बोलती हैं, नॉर्मली कुछ फीमेल बहुत ज़्यादा बोलने वाली होती हैं, कुछ कम बोलती हैं, तो इनसे मैंने कहा कि आपका जो एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ हो और अपना पुराना क्या बैकग्राउंड है जो कैंडिडेट को मोटिवेट करेगा, ये अपना पूरा शेयर करेंगे यहाँ का क्या एक्सपीरियंस है, शेयर करूँगा। मैंने अपना बीटेक बायोटेक से कंप्लीट किया था। मैं जॉब सर्च कर रही थी तभी मैंने गूगल पे संस्कार सोसाइटी का एडवर्टाइज देखा और उसके रिव्यूज देखे तो मुझे सही लगा, तो मैंने यहाँ पे विजिट किया। फिर मैंने अपनी जॉब प्रोफाइल सर्च की तो वीके सर और अभिषेक सर ने मेरी काफ़ी हेल्प की, मतलब मुझे जॉब मेरा इंटरव्यू करवाया और मैं मतलब वहाँ पे आगे। कौन सी कंपनी में हुई? अमर फार्मा में। अभी ट्रेनिंग से कब से हुआ है? कल से। ठीक है, चलो अभी तो मैं अपना वहाँ से कैरियर स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग भी आके ट्राई करें यहाँ पे अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो। ये अभी इतना तो ये बढ़िया से बोल गई नहीं, क्योंकि तो एक बात है कि थोड़ा सा फीमेल को हेजिटेशन रहता है बोलने में, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसने कोशिश करी, बोला कि मैंने कहा तो ये सर कुछ बोल देंगे जो मैं आता होगा, नेचुरल बोलेंगे वही एक्चुअल है। माय डियर कैंडिडेट, जब ये यहाँ आई थी तो बहुत पॉजिटिव नहीं थी, डाउट में थी, सच ये भी है 50-50 था, नहीं था शक था, दुविधा थी इनके ऊपर, क्या था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही हो जाए। अभी भी जब इन्होंने बात करी है तो इनको मैं थोड़ा सा की बातचीत में, कई लोगों की बातचीत में, ये ना हुआ तो क्या होगा, अच्छी ना मिली तो क्या हुआ, वोट नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसी जो बातें चलती हैं दिमाग में वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव सीरीज ऑफ थॉट्स है। आपको करना ये पड़ेगा अच्छा होने के लिए, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है वो आपको सोचना होगा, उसी से आपको थॉट ऑफ सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जो अच्छा हो रहा है, अब ये आई पहली बार अच्छा ये ना हुआ तो सर क्या होगा, अच्छा सर आगे दिक्कत आ गई तो क्या होगा, ये नहीं करना है। मैंने देखा बहुत लोगों के बातचीत के तरीके में अनजाना जो डर होता है, जिसके लिए इंग्लिश का वर्ड है अप्रीहेंशन, हम अपने आगे क्या होने वाला है इसको तो प्लीज जज करना बंद कर दीजिए। कभी आपको कहीं से कोई दिक्कत आ सकती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सबको एक काम और करना चाहिए। लोग सभी लोग घर में बहुत शादियों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है आजकल आप शादी कर दीजिए अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितता कोरोना की बात में जीवन का जब आपका अंग बन जाएगी, आप अनसर्टेन चीजों से अनसर्टेनिटी के बाद भी आपकी जो मेंटल पावर है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, वो परिस्थितियां आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी, तब आप जी पाएंगे, तब आप बेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली चले, लोग हमारे हिसाब से चले, लोग हमें अच्छे मिल जाएं घर में, परिवार में, कंपनीज में, फ्रेंड सर्किल में, एनवायरनमेंट में, प्लीज अब ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। बजाय कि आर्ट सीखिए कि कैसे हम सभी कैटेगरी की चीजों में मैनेज कर ले जाएं, अपनी जो मेंटल पावर है, अपनी जो शक्ति है, उसको हरा दें, जिससे कि हम मैनेज करके आगे बढ़ पाए। चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, आपका स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति, मानसिक स्थिति आपको दूसरी चीजों से जिताएगी। क्योंकि तो अभी मैंने देखा लोग कानपुर में जब जॉब देखते हैं तो देखने के साथ साथ में वो ये भी चाहते हैं कि हमें इस जगह से इस लेवल की इतने घंटे की घर के बगल में जाना भी ना पड़े, मर्जी की और पैकेज भी अपनी मर्जी का जॉब मिल जाए, सब कुछ एक साथ आपको होने वाला प्लीज नहीं है, इसको आप समझिए। आपको अपने आप को भी जज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, आपको अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी, वही आपको देगा। और इन्होंने कम से कम एक काम अच्छा किया कि पहली जो जॉब इनके पास में आई, इन्होंने उसको तुरंत वेलकम किया, ज्वाइन करने को कहा, जबकि इनको अप्रीहेंशन था थोड़ा सा, उसके अप्रीहेंशन को इनको मैंने जानकारी दे करके, फैक्ट दे करके उसको दूर भी किया, और उम्मीद है ये बहुत आगे अच्छा करने जाएंगी। जब एक फीमेल इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बनती है,
उसका मीनिंग बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज की सोसाइटी में जहाँ पे पेरेंट आज भी यूपी के केवल अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक एजुकेशन को बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों को खासतौर से कि एजुकेटेड हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा बदलाव है, इसके बाद तुरंत वो शादियों के लिए सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक रूप से जब तक निर्भर नहीं है तब तक एक सही मायने में फ्रीडम नहीं होगा, वो सशक्त नहीं होंगी। और इसीलिए मैं फीमेल्स को बोलता हूँ, आप मैक्सिमम 28, 29, 30 तक में आप मैक्सिमम अपने करियर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप अपने खर्चे खुद के निकालिए, हो सके तो घर के सपोर्ट तक के लिए रेडी होइए, पर किसी भी हालत में सोसाइटी के फैमिली के प्रेशर में आकर के अपनी आइडियोलॉजी अपने व्यूज को बार बार बदलिए नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का अर्निंग में आना है, ना कि केवल सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा लेकर के जो सोसाइटी में चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपकी मैरिज हो जाएगी फिर आपके उनके हिसाब से होगा, वो सब जरूरी चीजें हैं, पर इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस मस्ट बी इन ए प्रायोरिटी एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। इनके थ्रू मेरे अंदर की जो भड़ास थी, जो मन में थॉट थे, वो भी समझने निकालने का मुझे मौका मिला। कम से कम आप लोगों को ये सीखने को भी मिलेगा कि फीमेल जब तक इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तब तक वो चीज़ें आप पर सही मायने में नहीं आएंगी। और इनको भी बधाई हो, बायोटेक का एक इनकी वर्किंग में जानी हुई, और मैं इसलिए इनकी भी काबिलियत है, कुछ तो उन्होंने बोला ही होगा, कुछ कम बोला होगा, कुछ ज़्यादा बोला होगा, पर किसी तरीके से उन्होंने ज्वाइनिंग करी। अब एक ज्वाइनिंग के बाद में आगे रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, माय सोल जॉब डॉट कॉम। थैंक यू।